डेफिनेशन, इकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एज स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन इन पॉपुलेशन साइज। एक ब्रांच है जिसमें ये हार्डी विनबर्ग थ्योरम वगैरह, पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसीज, अलील्स वगैरह की फ्रीक्वेंसीज से रिलेटेड स्टडी किया जाता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी में जो है वो बर्थ रेट वगैरह, ग्रोथ रेट से रिलेटेड बातें डिस्कस की जाती हैं। दोनों के अंदर जो पॉपुलेशन साइज है उसको एन से डिनोट किया जाता है, जो कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन की। फैक्टर्स दैट गवर्न पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज किन किन फैक्टर्स की वजह से स्टेबल होता है, यानी किसी भी एरिया में जितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं वो उसकी पॉपुलेशन है और एक स्पीशी की। अब इतने इंडिविजुअल्स क्यों मौजूद हैं, या तो वहाँ पर बर्थ रेट हो सकता है, या डेथ रेट, या इमिग्रेशन, या इमिग्रेशन। क्रूड बर्थ रेट, जितने भी इंडिविजुअल्स की बर्थ होगी, नए आने वाले इंडिविजुअल्स, क्रूड डेथ रेट, किसी भी रीज़न से जो डेथ हुई होगी। इमिग्रेशन आई से जो स्टार्ट हो रहा है, जब किसी एरिया में दूसरी जगह से जानदार आएंगे, एरिया में दाखिल होंगे, वो इमिग्रेशन है। माइग्रेशन की टाइप्स हैं दोनों। ई से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें एग्ज़िट होगा, मतलब कोई भी इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन से बाहर जाएगा तो वो पॉपुलेशन से इमिग्रेशन करवा रहा है। और पॉपुलेशन में इन दोनों की वजह से चेंजेस आएंगी। बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन कम होगी। इमिग्रेशन ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, इमिग्रेशन ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन कम होगी। नेटेलिटी दी बर्थ रेट विच इज़ द रेशियो ऑफ टोटल लाइव बर्थ टू टोटल पॉपुलेशन इज द पार्टिकुलर एरिया ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। लाइव बर्थ और डेड बर्थ में डिफरेंस है। अगर किसी इंडिविजुअल की बर्थ होती है तो, यानी नए इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं, तो उनके अंदर से जितने इंडिविजुअल्स जिंदा बच जाते हैं उनकी रेशियो है डेथ होने वाले इंडिविजुअल से, ये नेटेलिटी है। मोर्टेलिटी डेथ रेट को कहा जाता है। नंबर रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेथ टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि अगर फ़र्ज करें 100 इंडिविजुअल हैं और उनमें से 10 मर जाते हैं तो यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट है 10%, सर्वाइवल रेट है 90%। इमिग्रेशन, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मूविंग इन टू एरिया ऑक्यूपाइड बाई द पॉपुलेशन इज कॉल्ड इमिग्रेशन। बाहर से आने वाले, किसी एरिया में आने वाले ऑर्गेनिज्म्स के लिए इमिग्रेशन का वर्ड यूज़ किया गया। इमिग्रेशन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मूविंग आउट ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पॉपुलेशन, एक एरिया को छोड़कर जब ऑर्गेनिज्म जाएंगे तो इमिग्रेशन होगी। फैक्टर दैट इंक्रीज पॉपुलेशन साइज, नेटेलिटी इज रिक्रूटमेंट टू द पॉपुलेशन थ्रू रिप्रोडक्शन। नए आने वाले इंडिविजुअल्स, नए भर्ती होने वाले समझ लें, पॉपुलेशन में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन की वजह से वो पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। इमिग्रेशन, दूसरी जगह से आने वाले, दूसरी पॉपुलेशन से आने वाले जो हिजरत करके आते हैं जानदार, वो भी पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो पॉपुलेशन को रिड्यूस करते हैं, मॉर्टेलिटी रेट है, प्रीडेशन है, जैसे कि डेथ किसी भी रीज़न से हो, इमिग्रेशन एक एरिया को छोड़ के जब जाएंगी। इसके अलावा फैक्टर जो लिमिटिंग पॉपुलेशन साइज होते हैं,
वो वहाँ के रिसोर्सेज होते हैं और एरिया होता है, ज़मीन पर कितनी जगह है, कितना वहाँ पर बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी कितनी है इकोसिस्टम में, यानी फूड की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है वहाँ का, ये पॉपुलेशन को लिमिट करते हैं फैक्टर्स कि कितनी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए है। अगर फ़र्ज़ करें एक इंडिविजुअल के लिए 10 फुट जगह ज़रूरी है, तो अगर इससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स आएंगे 10 फुट में तो वो डिस्टर्ब होंगे, उनके लिए बायोमास कम पड़ेगा, घास वगैरह अगर हर्बीवोर्स की बात करें तो इस वजह से रेट जो है वो कम हो जाएगा पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन को मेंटेन या पॉपुलेशन बनाने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको दिखाया गया, नए बर्ड्स आ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बर्थ हो रही है, नेटेलिटी रेट की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इमिग्रेशन छोड़ के जाने की वजह से पॉपुलेशन कम हो रही है, डेथ की वजह से यानी एग्जांपल में प्रीडेशन की वजह से भी पॉपुलेशन कम हो रही है, दोनों बातें इकट्ठी होंगी कम या ज़्यादा होने की वजह से। पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन में चेंज कितना आ रहा है, टोटल बर्थ इमिग्रेशन में से माइनस कर दें डेथ और इमिग्रेशन को। फ़र्ज़ करें बर्थ होती हैं टोटल 100 और इमिग्रेशन होती है बाहर से आते हैं 100 ऑर्गेनिज्म, सॉरी इंडिविजुअल, 200 टोटल बन गया, इस 200 में से माइनस कर दें, सपोज डेथ होती है 50 और 50 जगह को छोड़ के चले जाते हैं, टोटल 100 हो गए, 200 में से 100 माइनस कर देंगे तो जो पॉपुलेशन चेंज आएगी वो 100 इंडिविजुअल्स की होगी। पैरामीटर दैट अफेक्ट साइज और डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, कितने इंडिविजुअल्स हैं इसमें, ये चारों फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से है, इज़ द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, इट इज़ एन एवरेज नंबर, इट इज़ यूजली शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वेयर किलोमीटर। अगर इंसानों की बात करें तो एक स्क्वेयर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन ओवर एरिया इसके लिए फार्मूला है, एरिया के को किलोमीटर्स में मेजर किया जाएगा। पॉपुलेशन इंसान की पॉपुलेशन के लिए डायग्राम दिखाई गई है ग्लोब पर, ये एरिया जो ज़्यादा डार्क रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, इंडिया हो गया जैसे, चाइना, ये हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, यहाँ पर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर। मोबिलिटी मेथड के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो मूव कर सकते हैं तो उनको मेजर करना मुश्किल है, मेजर करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं, एनिमल के साइज़ पर डिपेंड करता है और प्लांट एनिमल्स के लिए डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, टोटल काउंट मेथड, सैम्पलिंग मेथड। अब या तो ऐसा हो कि जिस एरिया के अंदर फ़र्ज़ करें ये एक एरिया है जिस एरिया में हम काउंट करना चाहते हैं, उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं इनको हम काउंट कर लेते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड ये होता है सैम्पलिंग का, ये सैम्पलिंग उस टाइम पे यूज़ की जाती है जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें ये इतना एरिया है, इस एरिया में हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है कि जिसको हम हर एक को काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग में डिफरेंट साइट्स पर सर्वे किया जाएगा, रैंडम होगा जो कि अब पूरे एरिया में इंडिविजुअल्स को काउंट करने के बजाय सिर्फ थोड़े से एरिया में काउंट कर लेंगे और इन सब की एवरेज ले लेंगे और टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि टोटल
पूरे एरिया में कितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। सेकंड मेथड में यानी सैंपलिंग मेथड में सिर्फ कुछ एरिया को का सैंपल लिया जाता है और उसी से ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि पूरे एरिया में कितने इंडिविजुअल मौजूद हैं। थोड़े एनिमल्स के लिए टोटल काउंट मेथड है और ब्रीडिंग कॉलोनीज़ के लिए जहाँ पे फोटोग्राफ बनाई जा सकती हो ड्रोन कैमराज के ज़रिए, फिर बाद में इनको काउंट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस, मर्दमशुमारी के अंदर टोटल काउंट मेथड होता है, सबको काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि शहर में किसी एक एरिया को काउंट कर लिया जाए और पूरे का अंदाज़ा लगा लिया जाए। एक एरिया में अगर ट्री दिए गए हैं, दरख्त हैं, तो उनको काउंट करना आसान है क्योंकि वो मूव नहीं करेंगे, उनको तमाम को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उनको काउंट करना काफ़ी मुश्किल होगा, डिफरेंट मेथड यूज होंगे। सैम्पलिंग के लिए प्लॉट बेस्ड होगा, प्लॉट बेस्ड टाइप है एक सैम्पलिंग मेथड की, क्वाड्रेट मेथड। एक क्वाड्रेट प्लांट्स के लिए बनाया जाता है, एक मीटर पर मुश्तमिल भी हो सकता है या एक फुट पर भी, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई एक फुट होगी। उसको ज़मीन पर रख देंगे, उसके अंदर जितने भी सैंपल आएंगे, जितने भी इंडिविजुअल आएंगे, उनको काउंट कर लेंगे। क्वाड्रेट मुख्तलिफ जगहों पर रखते जाएंगे और काउंट करेंगे। कैप्चर बेस्ड मेथड, किसी इंडिविजुअल को टैग करेंगे इसके अंदर कैप्चर करने के बाद। एक क्वाड्रेट का एरिया फाइंड किया जाएगा, फ़र्ज़ करें ये टोटल एरिया है, सॉरी टोटल लेंथ है 100 मीटर, इस साइड पर भी दूसरी साइड पर भी 100 मीटर है। तो टोटल को काउंट करने के लिए हम सिर्फ एक को काउंट करेंगे, इसी तरह कुछ रैंडम साइट्स पर काउंट करने के बाद सबका एवरेज ले लेंगे, एवरेज से पता चल जाएगा और उसके बाद टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। मार्क रिकैप्चर मेथड, मार्क रिकैप्चर मेथड में ऑर्गेनिजम्स को, इंडिविजुअल्स को कैप्चर करके उनके ऊपर कोई निशान लगा दिया जाएगा और बाद में ताकि दोबारा काउंट ना हो। पॉपुलेशन डिस्पर्शन, पॉपुलेशन डिस्पर्शन की कुछ टाइप्स हैं। जियोग्राफिकल बैरियर्स बाउंड्रीज़ की वजह से भी डिस्पर्शन डिफरेंट होती है और किसी एरिया की पॉपुलेशन, सॉरी एबायोटिक फैक्टर्स बहुत रोल प्ले करते हैं डिस्पर्शन के दौरान, फैलाव के दौरान ऑर्गेनिजम्स की। रैंडम भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है और क्लम्प्ड भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। क्लम्प पैटर्न में पैचेस की फॉर्म में एग्रीगेट होंगे, टुकड़ों की सूरत में कुछ जानदार एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे, यानी कॉलोनीज की फॉर्म में रहेंगे। वुल्व्स वगैरह हैं जैसे कि ये कबीले की सूरत में या कॉलोनी की सूरत में रहते हैं क्योंकि शिकार करना इनके लिए आसान होता है, जैसे इसके अंदर दिखाया गया कि यहाँ पर 5-6 का एक ग्रुप है और अलग अलग रह रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, ये क्लम्प फॉर्म में होंगे। यूनिफॉर्म डिस्पर्शन में ऐसे जानदार होंगे जो अकेले रहने वाले होंगे और इसके अंदर अगर एग्जांपल देखें तो पेंगुइन जो कि बर्ड हैं। रैंडम डिस्पर्शन में प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि कैसे डिस्पर्स होंगे जानदार, फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे से ऐसे जानदार, और छोटे मोटे अवामिल हैं जो इन्वायरमेंट के, वो भी इनके ऊपर असरअंदाज नहीं होते, अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनिज्म इधर उधर इंडिविजुअल्स रहते हैं। रैंडम की एग्जांपल हैं प्लांट्स में, हवा से उड़ के रैंडमली किसी जगह पर सीड चले जाएंगे और वहीं पर जाकर ग्रो होंगे, जहाँ पर सीड ज़्यादा जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा ग्रो होंगे, जहाँ पर सीड कम जाएंगे वहाँ पर कम ग्रो होंगे। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशंस,
पहले थोड़ा डिस्कस किया, अब डिटेल से फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। डेंसिटी इंडिपेंडेंट और डेंसिटी डिपेंडेंट। डेंसिटी इंडिपेंडेंट में फ्लड हैं, सबको इकट्ठा ही, मतलब जितने भी जानदार होंगे जिस एरिया में वो सारे इफेक्ट होंगे फ्लड की वजह से, तूफान की वजह से, हुरिकेन्स की वजह से, अनसीजनेबल वेदर की वजह से, फायर, क्लियर कटिंग, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, ये सारे डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी जितना भी इंडिविजुअल होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, सब पर अफेक्ट होगा। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं कंपटीशन, जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी, प्रीडेशन प्रीडेटर ज़्यादा होंगे जिस एरिया में, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। पैरासाइटिज्म भी पैरासाइट डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करते हैं, पैरासाइट डेथ का बायस बनेंगे, वहाँ पर इंडिविजुअल कम रह जाएंगे। इन्फेक्शियस डिजीज, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है और उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टैटिस्टिकली स्टडी करते हैं। टू स्टैटिस्टिक दैट आर पार्टिकुलर इम्पोर्ट आर पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसके अंदर एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल प्री रिप्रोडक्टिव एज में है, कितने रिप्रोडक्टिव एज में और कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में है। सेक्स रेशियो का मतलब ये है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं सेम स्पीशी के। प्राइमरी सेक्स रेशियो, सेकेंडरी सेक्स रेशियो, टर्शरी सेक्स रेशियो। ह्यूमन सेक्स रेशियो इज ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड डेमोग्राफर्स। एज स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच एज क्लास एज द रेशियो ऑफ वन क्लास टू अनदर। स्टेटिस्टिक्स में ये डिस्कस किया होगा कि एक क्लास बना ली जाती है, फ़र्ज करें हम एक क्लास बनाते हैं 0 to 13, ये हमारी क्लास बन जाएगी प्री रिप्रोडक्टिव एज के लिए। फिर इसके बाद 13 to 45 ये रिप्रोडक्टिव क्लास होगी, अबव 45 जो होगी वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्लास होगी। तो ये बन जाएगा एज स्ट्रक्चर का की क्लासेस। एज स्ट्रक्चर डायग्राम में देख सकते हैं कि 0 to 14, 15 to 44 और 45 to up तीन क्लासेस बनाई गई हैं। तो इस क्लास से हमें पता चल सकता है, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में पॉपुलेशन कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स मौजूद हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर प्री रिप्रोडक्टिव मौजूद हैं तो थोड़ी देर से पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अगर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज पर मौजूद हैं तो पॉपुलेशन जल्दी बढ़ने वाली है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ज़्यादा इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, फ़र्ज करें टोटल 100 में से 90 जो हैं वो किसी पॉपुलेशन के पोस्ट रिप्रोडक्टिव में हैं, तो आने वाले वक्तों में उस पॉपुलेशन में जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स और इटली के दरमियान कंपैरिजन शो किया गया एजेस का, मेल और फीमेल का। लाइफ टेबल, mortality table is the table which shows for each age what is probability is the that the next of sorry that a person of that age will die before his or next birth. इस टॉपिक में प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं नेक्स्ट इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए, मेल और फीमेल के लिए ये चांसेस जो हैं नेक्स्ट यानी मोर्टेलिटी रेट जो हैं वो डिफरेंट हैं।
तो इस ग्राफ सॉरी इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि मेल के लिए क्या डेथ रेट है या तो ओवरऑल क्या डेथ रेट है डिफरेंट एजेस का क्या सर्वाइवल रेट है। सर्वाइवरशिप कर्व्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का। तीन तरह की सर्वाइवरशिप कर्व बनती हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। टाइप वन के अंदर स्टार्टिंग में फ़र्ज़ करें 100 इंडिविजुअल की अर्थ होती है, 100 इंडिविजुअल अब सारी ज़िंदगी तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। स्टार्टिंग में इंसान की बात करें तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि वैक्सीन वगैरह, मेडिसिन, फूड वगैरह और ख्याल रखने की वजह से मदर की तरफ से एकदम से पॉपुलेशन में कमी नहीं आती। पॉपुलेशन पहुंच जाती है रिप्रोडक्टिव एज तक, रिप्रोडक्टिव एज से गुजरने के बाद पॉपुलेशन अच्छी खासी होने के एज अच्छी खासी होने के बाद डेथ होना स्टार्ट होती है। यानी ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में लेट कर्व आ रही है, कर्व एंड में आ रही है, पॉपुलेशन ड्रॉप हो रही है एंड में। टाइप टू में इस तरह होगा, जैसे इंडिविजुअल्स की बर्थ होगी फौरन से पॉपुलेशन में कमी होना शुरू हो जाएगी, उन इंडिविजुअल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि परिंदे हैं, परिंदों के जो नए ऑफस्प्रिंग हैं जो वो जैसे ही पैदा होते हैं वो शिकार होना शुरू हो जाते हैं, दूसरे जो प्रीडेटर हैं उन्हें शिकार करना शुरू हो जाते हैं, कुछ डिजीज़ की वजह से डेथ होती जाती है, आखिर में वो ख़त्म हो जाते हैं। टाइप थ्री है फ्रॉग की, बहुत सारे लार्वा बनते हैं एक टाइम में निकलते हैं, और टैडपोल हैं सॉरी जो फ्रॉग के बहुत ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से अब क्योंकि पानी में मौजूद हैं, प्रीडेटर भी हैं बहुत सारे, प्रीडेटर उनको ख़त्म करते जाएंगे जैसे ही वो पैदा होंगे, बहुत ज़्यादा ख़त्म करेंगे जैसे वो ग्रो कर चुके होंगे, जब बड़े हो जाएंगे अपना डिफेंस कर सकेंगे, प्रीडेटर से बच जाएंगे तो फिर उनकी डेथ का रेट जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगा। ऐसा टाइप थ्री में होगा। टाइप वन में डेथ रेट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि बाद में स्टार्ट होगा, टाइप टू में मॉर्टेलिटी रेट थ्रू आउट टाइम कंटिन्यूस रहेगा, और टाइप थ्री में मॉर्टेलिटी रेट स्टार्ट में ज़्यादा होगा, जैसे एज बढ़ जाएगी तो मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा क्योंकि अपना डिफेंस करना जान जाएंगे ऐसे इंडिविजुअल्स। एग्जांपल है फर्स्ट की ह्यूमन, सेकंड की बर्ड्स, थर्ड की ऑक्टोपस या फ्रॉग।